चले अच्छा चले, हमने लास्ट टाइम जो कंप्लीट किया था टॉपिक वो इनकम टैक्स यानी टैक्स टैक्सेबल इनकम तक हमने कैलकुलेट पढ़ा था, और हमने बताया था कि फोर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होती हैं, और जो फोर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होती हैं उनमें अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशंस का, और लिमिटेड लाइबिलिटीज का जो कॉर्पोरेशंस हैं उनमें अगर इनकम कितनी कितनी होगी, कितनी किस किस रेंज में आएगी, तो मार्जिनल टैक्स रेट कितना अप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन सो। ठीक है, तो हमने एक उसको टेस्ट किया न्यूमेरिकली इनकम टैक्स के साथ। अब एक चीज़ आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको खुद बता रही हूँ, ये पूछा करो आप। ठीक है, उसमें क्या चीज़ थी पूछने वाली कि मैम जो मार्जिनल रेट टैक्स जो अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल 39% था, आपने लास्ट एग्जांपल भी दी है, उसमें कैलकुलेट आपने किया था 32.3%, तो ये जो मार्जिन है किस वजह से आया? ठीक है, ये आपने नहीं पूछा जबकि पूछना चाहिए था। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये जो है मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही मैं आपको ये चैप्टर थोड़ा कंप्लीट एंडिंग की तरफ आऊँगी तो आपको क्लियर होता जाएगा कि इसकी क्या वजह है। डेप्रिसिएशन के सिर्फ मैं आपको डेफिनेशंस और कंसेप्ट समझा दूँगी अभी, बाकी जो न्यूमेरिकल स्लाइड्स हैं इसकी उसको मैं मिस कर दूँगी। द रीज़न इज़ दैट कि वो आपकी जो असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट नंबर 2 में मैं आपको बता दूँगी, यहाँ पे भी हम आपको मैम किरण को जो है वो लिंक फॉरवर्ड कर दें आप ग्रुप में, अगेन हाशिम ग्रुप पे एक लिंक फॉरवर्ड कर दें दोबारा से। ओके ओके, मैम मैं कर रहा डेप्रिसिएशन बेसिकली है क्या? डेप्रिसिएशन अगर एक लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, कि टाइम के साथ साथ किसी एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज आता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डिप्लीशंस का कंसेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, बट डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो कि आपकी बुक में डेप्रिसिएशन को डिस्कस किया गया, उसके मेथड कौन कौन से हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसका लिंक भी हमारी इनकम के साथ होता है। नेट इनकम जब कैलकुलेट करती है तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के बाद, जब आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT की बात करते हैं तो उसमें हम लोग टैक्स डिडक्शंस की भी, डेप्रिसिएशन डिडक्शंस की भी बात करते हैं। कैपिटल एसेट्स या कैपिटल गेन जो आपको होते हैं किसी एसेट्स के ऊपर, तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करके फिर फाइनल जो कैलकुलेशन है नेट इनकम की वो करते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? रिप्रेजेंट द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज, टैक्स पर्पज और बोथ। जैसे ही अब हमने टैक्स के बारे में पढ़ा, तो जैसे ही हम लोग, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते, एक एसेट की कॉस्ट थी 50,000 और 50,000 के ऊपर हम लोग टैक्स पे टैक्स चार्ज कर देते हैं, तो क्या होता है कि जो 50,000 पे आप चार्ज तो कर देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जो आपकी टैक्स रेट, जो जो टैक्स रेट है वो हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 50% पे आपने चार्ज किया, आपको टैक्सेबल इनकम जो आपको पे करनी पड़ी टैक्स FBR को, फॉर एग्जाम्पल वो 15,000 थी, 50,000 पे 15,000, 15,000 आपको टैक्स पे करना पड़ा है। तो वो जो 15,000 आपको टैक्स पे करना पड़ा है, अगर आप अपने 50,000 एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते, ग्रेजुअली जो डिक्रीज हुआ उसमें, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द ईयरली डेप्रिसिएशन जब आप लेते हैं, या सेमी एनुअली लेते हैं, या क्वार्टरली लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेप्रिसिएशन जो थी एसेट की वो थी 10,000, तो फिर आपके पास जो रिमेनिंग नेट इनकम रहेगी 40,000, तो 40,000 पे जब आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स, तो मे भी वो 9,000 आए या 8,000 आए। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अगर डेप्रिसिएशन का एलिमेंट आप इग्नोर कर दें तो आपकी टैक्सीबल इनकम जो आपने पे करनी है FBR को, वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, आपको टैक्स ज़्यादा पे करने पड़ेगा। तो ये मार्जिन जो क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, हमने डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया, हमने सिंपल एक इनकम ली और इनकम के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई कर लिया। एक रीज़न तो ये होगी हमारे पास कि इसमें क्या हुआ कि आपकी जो टैक्स डिडक्शन थी या डेप्रिसिएशन थी एसेट्स की, वो हमने इग्नोर कर दी। तो दैट्स द रीजन कि मार्जिन रेट ऑफ रिटर्न और जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने कंक्लूड किया, उसमें थोड़ा वेरिएशन आया, डिफरेंस आया। बाकी फर्दर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अभी आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को क्लियर करना है, इसके न्यूमेरिकल पे हम अभी नहीं जाएंगे, इन स्लाइड्स को फॉरवर्ड कर देंगे हम आफ्टर क्लास। आई एम आल्सो मेकिंग द सेम जस्ट लाइक प्रीवियस असाइनमेंट, आपको एक वीडियो बना के भेजूंगी मैं आपको, वहाँ से आप मुझे उस न्यूमेरिकल की फॉर्म में करके बताएंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे तो हम पूरा लेक्चर इसी को डिस्कस करते रहेंगे, बाकी टॉपिक हमारे स्किप हो जाएंगे। सो ग्रेजुअली प्रॉफिटेबल फॉर्म प्रेफर टू यूज़ द एक्सेलरेटेड मेथड फॉर टैक्स रिपोर्टिंग पर्पज। अब ये एक्सेलरेटेड मेथड है क्या? अकाउंटिंग में आपने पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड होता है, ये मार्क्स, ये चार तरह के मेथड हैं। इनको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग?
किस तरह से पता चलेगा आपको अगर एक डेप्रिसिएशन आ जाए, तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, हम दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे फॉर टैक्स पर्पज़, ठीक है। ओके, अब ये कुछ से स्लाइड्स हैं जो मैं आगे स्किप कर रही हूँ, ये आप लोग देखते जाइएगा। ये टोटली जो है, ये जो लिंक कर रही है, ये आपकी डेप्रिसिएशन से है। अच्छा जी, उसके बाद है अदर टैक्स इश्यूज। एक तो हो गया डेप्रिसिएशन का। अदर टैक्स इश्यूज क्या है कि अगर आपकी जो इनकम है, जो हमने वो मार्जिनल रेट पढ़े थे, जो FPR की तरफ से गिवन थे, अगर आपकी जो इनकम है वो 39% से अबव है, जो 39% रेट आपने अप्लाई किया उससे ज़्यादा आती है, तो फिर क्या होता है कि FPR की तरफ से आपकी जो टोटल इनकम होती है उसे 10% ज़्यादा चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ये भी इस बात को मेरी आप थोड़ा ले रहे होंगे, लेकिन मैं आपको जब एग्जांपल से समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएगी क्या इसका मतलब है। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज अ स्पेशल टैक्स विच इक्वल 20% ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्सेबल इनकम, कि जो आपकी मिनिमम टैक्सेबल इनकम है उसे 20% से ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जनरली नॉट इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, जो 20% आप ज़्यादा चार्ज करते हो वो टैक्सेबल इनकम के इक्वल तो हो ही नहीं सकती। कॉर्पोरेशंस पे द मैक्सिमम ऑफ ATM टू रेगुलर टैक्सेबल लेबिलिटी, क्या मतलब है इसका, प्रैक्टिकल पे नीचे हम लोग आते हैं अभी। क्वार्टरली टैक्सेबल टैक्स पेमेंट का मतलब है कि रिक्वायर कॉर्पोरेशंस टू पे 25% ऑफ देयर एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स लेबिलिटी ऑन द 15 ऑफ अप्रैल, जून, सितंबर एंड दिसंबर, 4 क्वार्टर्स में जो है ना 25% 25% करके। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो ईयरली इनकम जो है उनकी 1 बिलियन, या वन आप 10 बिलियन कह लें, या 1 करोड़ कह लें, इस तरह से आप कुछ एस्टिमेट कर लें मैक्सिमम। तो क्या होता है कि इकट्ठी जो आप लमसम अमाउंट में जब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो वो भी मुश्किल होता है किसी कॉर्पोरेशन के लिए, बेशक वो वेल डिफाइंडेड कंपनी हो। तो उसमें क्या होता है, फिर उसकी पार्टीशन कर ली जाती है, उसकी एनुअली कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइड कर लिया जाता है, एनुअली कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया जाता है पोर्शन में, कि ईयरली फॉर एग्जांपल मेरी जो डेप्रिसिएशन की जो मार्जिनल रेट बन रहा है, अज्यूम 100% है, तो जो 100% होगा, वो जो 100% आप कह रहे हैं, तो वो जो 100% है उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड कर लिया जाता है, 25 25 25, ठीक है। फिर उसको पे कर लिया जाता है मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, या आफ्टर हाफ सेमी एनुअली आप 2 क्वार्टर्स को मिक्स करके पे कर लेते हैं, ठीक है, डिपेंड कि आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट डिडक्टेबिलिटी, कि जब भी आप टैक्स चार्ज करते हैं, तो EBIT का मैं बार बार जिक्र करती हूँ, क्लास में मैंने जिक्र किया था, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, टैक्सेस की बात हुई, इंटरेस्ट की बात हुई, तो अर्निंग हमेशा जो होती है आप उस पर टैक्स चार्ज करते हैं, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो इट मीन्स टैक्स तो डिडक्शन होती ही होती है, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट की भी होती है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम क्या आ जाती है, ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप दो चीज़ें होती हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं आप पेमेंट लेते हैं, आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, तो वो डाउन पेमेंट मतलब कैश कैश की फॉर्म में हम दे देते हैं, तो इसका कंसेप्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का और कैश डिविडेंड का, इसी सिनेरियो में अगर आप लें तो आप कह सकते हैं कि इज़ द इंटरेस्ट पेड ऑन आउटस्टैंडिंग डेट एंड इज़ टैक्स डिडक्टेबल, जो इंटरेस्ट होगा उस पर आप टैक्स डिडक्ट करोगे। कैश डिविडेंड क्या है, इज़ द कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू शेयर होल्डर्स एंड इज़ नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो नीचे आपको नज़र आएगा आफ्टर का वर्ड यूज़ होगा। मैंने आपको कहा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो आफ्टर का वर्ड, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तो इसका क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जितने आपके हुए होंगे, या आपने जितना इंटरेस्ट पे किया होगा किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर, तो वो और उसमें से 1 माइनस टैक्स रेट जितना आपको चार्ज हो रहा होगा आपकी इनकम के ऊपर, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। प्रैक्टिकल हम करेंगे, अभी फिलहाल फार्मूलाज पे रहें, कंसेप्ट पे रहें, प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हैंडलिंग कॉर्पोरेट लॉसेज एंड गेंस, कि जब एक फर्म को कॉर्पोरेट गेन होता है या कॉर्पोरेट लॉस, इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट लॉसेज और कॉर्पोरेट गेन का मतलब है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, ठीक है। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का मतलब क्या है, कि जो कैपिटल गेन का मतलब है जो वो गेन जो हमें हासिल होता है कैपिटल एसेट्स की में कुछ डेफिशिएंसी की वजह से, या उसमें या सेल की वजह से, या उसको या वो डैमेज हो जाती है या डेप्रिसिएट हो जाती है, मीन्स टू से कि जो हमें गेन या लॉस बेयर करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट मशीनरी जो आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। कॉर्पोरेशंस दैट सस्टेन अ नेट ऑपरेटिंग लॉस कैन कैरी दैट लॉस बैक, कैरी
कैरी बैक 2 ईयर्स एंड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड 20 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका लॉस हुआ, मैं अब एग्जाम्पल की तरफ आती हूँ, फिर मैं वापस आपको उसकी तरफ लेके आती हूँ, ठीक है, इसी स्लाइड 25 की तरफ। यहाँ पे देखें, लिसा मिलर इज एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लॉस एट बास्केट वंडर इन 2003। द फॉलोइंग टाइम लाइन शोज ऑपरेटिंग इनकम एंड लॉसेज। वट इम्पैक्ट डज द 2003 लॉस हैव ऑन बी डब्ल्यू। अब यहाँ पे एक सिनेरियो बनाया है, 2000 में इतना प्रॉफिट हुआ, 1 में इतना हुआ, 2002 में इतना हुआ, 2003 में 5 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया आपके पास। अब इसका क्या सिनेरियो है, इस तरह से अगर हम उसको डील किस तरह से करते हैं, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कंपनी कुछ अपनी प्रॉफिट में से रिटेन अर्निंग्स रखती है, नेट इनकम में से कुछ रिटेन अर्निंग्स रखती है। अज्यूम करें ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ये एनुअली प्रॉफिट नहीं, अगर एनुअली प्रॉफिट की बात करें तो इट मीन्स हम जो है डिविडेंड और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, अज्यूम करें ये रिटेन अर्निंग्स है, प्रॉफिट प्रॉफिट का ही पार्ट है ना। अच्छा, ये रिटेन अर्निंग्स है 2000 की, 1 की, 2002 की एंड 2003 में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप अपनी, अगर आप जनरल एग्जांपल्स पे जाएं तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने सेविंग लास्ट 3 मंथ्स की हुई है, आपके पास इन सेविंग्स को मिलाएं तो 3 लाख हो गया, 4 लाख, 4 लाख की सेविंग है आपके पास लास्ट 3 मंथ्स की, और जब नेक्स्ट मंथ आता है फोर्थ ईयर तो आपको 5 लाख का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो फर्स्ट प्रेफरेबली आप यही करते हैं ना कि आपके पास जो सेविंग है उसको आप यूटिलाइज कर लो और अपने जो लॉस है उसको फुलफिल कर लो, सेविंग इसीलिए करते हैं ना आप। तो सेम कंसेप्ट जो है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का यही होगा, लेकिन इसमें जो एक वर्ड यूज़ किया गया था आपकी लास्ट स्लाइड्स में, अब आपको शायद समझ आ जाए कि कैन कैरी दैट लॉस बैक, कैरी बैक 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल पीछे आ पाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा आपका लॉस वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आप ये जो 5 लाख है कैरी बैक 2 ईयर्स, सिर्फ 2 ईयर्स तक कैरी बैक कर सकते हैं। 2 ईयर्स में कितनी आपके पास रिटेन अर्निंग्स हैं, 2,50,000 की, 1,50,000 एंड 1 लाख, 2,50,000। इट मीन्स आप जो हैं, अब यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे 2000 में नहीं कर सकते, जो रूल है सेट रूल है उसके मुताबिक आप 2 ईयर्स बैक कर सकते हैं, बैक कैरी बैक, एंड जो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे अप टू नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से पहले भी हो सकता है, विद इन 1 ईयर भी हो सकता है, आफ्टर 2 ईयर्स भी हो सकता है, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक हो। आप उसको डिवाइड इस तरह से करें कि मैक्सिमम 20 ईयर्स में आपने उसको लॉस को फुलफिल करना है। आप क्या करेंगे, 1,50,000 आपका क्या यहाँ पे हो गया कैपिटल रिटेन अर्निंग्स, कैपिटल गेन का मैं वर्ड यूज़ बार बार करूँगी, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो 5 लाख था इसमें से मैक्सिमम आप लास्ट फर्स्ट ईयर में से कितना निकाल सकते हैं, 1,50,000 जो रिटेन अर्निंग्स थी, सेकेंड ईयर में से आप 1 लाख निकालेंगे, इसी तरह से दोनों को टोटल मिला के 2,50,000। इट मीन्स आपने 5 लाख में से 2,50,000 जो है वो लॉस बेयर कर लिया, कंपनसेट कर लिया, मिनिमाइज कर लिया अपनी लाइबिलिटी को। तो बाकी जो 2,50,000 रह गया, 2,50,000 रह गया, ये आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मे बी 2004 में। अब लिखा हुआ है ना कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन 2004 और बियॉन्ड, चाहे आप 2,50,000 सारा के सारा रिटेनेंस आपको नेक्स्ट ईयर आप उसमें से पे कर दें, चाहे आप 1 लाख करके करें, चाहे 50,000 करके करें, अप टू 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, विद इन 20 ईयर्स आपने इसको पे करना है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की, जैसे मैंने आपको बात कर ली। तो कैपिटल गेन है क्या, जैसे मैंने आपको कहा कैपिटल एसेट्स की सेल पे जो आपको प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल गेन, और कैपिटल एसेट्स में जो डिक्रीजिंग वैल्यू हो रही है उसको कॉस्ट से आप कम पे सेल कर देते हैं तो वो क्या होता है, कैपिटल लॉस। ऑफन हिस्टोरिकली कैपिटल गेंस इनकम हैज़ रिसीव्ड मोर फेवरेबल US टैक्स ट्रीटमेंट दैन ऑपरेटिंग इनकम। अब कहते हैं कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस से रिलेटेड एक टर्म, एक जिसे कहते हैं एक ट्रीटमेंट बताया है US टैक्स डिपार्टमेंट में, वो क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या क्या हुआ, करंटली कैपिटल गेंस आर टैक्स और टैक्स एट ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट्स फॉर कॉर्पोरेशंस एट मैक्सिमम 35%। कि अगर कैपिटल गेन हुआ किसी कॉर्पोरेशंस को तो कितना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, 35%। ये सेट स्टैंडर्ड रूल है, ये याद रखिएगा, इन फ्यूचर में जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए। उसके बाद है कैपिटल लॉसेज आर डिडक्टेबल ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेंस। जैसे हमने पीछे पर एग्जांपल्स देखी कि जितने भी कैपिटल लॉसेज थे वो जो हमारा कैपिटल गेन हुआ था या रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म हमने रखा था तो हमने उसमें से क्या करना है, उसको डिडक्ट करना है। डिडक्ट किस तरह से करना है, लास्ट 2 ईयर्स जो होगा उसमें से आपने सेट बैक करना है, कैरी बैकवर्ड करना है, और बाकी जो रिमेनिंग अगर रह जाता है आपका तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे विद इन 20 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल इनकम टैक्सेस। अब ये चीज़ समझने वाली बात है, मार्जिनल का जो वर्ड यूज़ हुआ था उसका क्या मतलब था, क्लोज क्लोज आप आ रहे हैं, उसमें क्या था, द यूएस हैज़ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर्स विद 4 टैक्स ब्रैकेट्स ऑफ 15%,
31 एंड 36%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो मार्जिनल टैक्स रेट 15 पढ़ा, 28, 31, 36, अब आप कहेंगे मैम हमने तो 15 पढ़ा ही नहीं, पढ़ा था 15, 15 के बाद कितना था, 25 था। अच्छा, ये जो रेट हैं ये हर साल चेंज होते रहते हैं। आपने अज्यूम करना है यहाँ पे कि वो जो रेट्स थे वो 15 था, 28 था, 31 था, 36 था। FPR की वेबसाइट पे जाएंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिकल आप कर लें, उसके बाद मैं आपको FPR की वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड करना, उसको चेक करना भी बताऊँगी। उसमें क्या होता है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर अप टू 36% तक किसी की इनकम मार्जिनल टैक्स रेट चार्ज हो रहा है, फॉर एग्जांपल 36% तक अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने लिमिट्स बताई थी 39%, जो मैंने येलो ब्रैकेट की हुई थी उससे ऊपर जितनी भी लिमिट्स थी, ठीक है, तीन जो आपकी लिमिट्स थी जो मार्जिनल रेट थे अब जो 39% थे, अगर वहाँ तक आती है तो वही रेट चार्ज होंगे जो मार्जिनल रेट में गिवन है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी उस 36% से अबव यानी 39% वाली साइड पे आप आएंगे तो क्या होगा, आपको 10% एक्स्ट्रा जो होगा वो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इज़ अप्लाई टू सर्टन हाई इनकम इंडिविजुअल रेजिंग देयर मार्जिनल रेट टू 39.6%। 39 से अबव कहने, 39 से अबव जैसे ही आपकी सैलरी जाएगी तो आपको 10% एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, टैक्स चार्ज कर, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जिसकी सैलरी इतने से इतने परसेंट है वो इतना टैक्स पे करेगी, जिसकी इतने से इतने परसेंट है। क्यों? टैक्स रेट बने तो हुए हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, ठीक है। और लास्ट 2 ईयर्स तो हमारी जो प्रोग्रेस रही है गवर्नमेंट की, तो देखा जाए तो IMF से कर्जा ज़रूर लिया है बट मैक्सिमम रिकवरी जो हुई है वो टैक्स की हुई है, जो इतने इतने सालों से नहीं हुई थी। तो वो क्या हुआ, जब वो मर्जिंग होती गई और फिर आप उनकी नेट इनकम कैलकुलेट की तो उस पर उनको हाईली टैक्स पे करना पड़ा, ठीक है। तो अगर टाइमली अगर हो जाए या उस रेट के अंदर हो, आपको पता हो, तो फिर आपको डेली पता होता है कि आपके मंथली एक्सपेंस कितने हुए हैं, अगर इतनी इनकम थी तो इतने एक्सपेंस हो गए हैं, माइनस करने के बाद आपके पास कितना गेन बचा, रिटेन अर्निंग्स बची, उस पर टैक्स चार्ज करना है। जब आप कंसेक्टिव 10 ईयर्स और 20 ईयर्स का इकट्ठा कंबाइन पे करने लगेंगे बहुत सी चीज़ों को स्किप कर जाएंगे, आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो साथ साथ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। पर्सनल इनकम टैक्सेस आर डिटरमाइंड बाय टैक्सेबल इनकम फिलिंग स्टेटस एंड वेरियस क्रेडिट्स, ठीक है। जो पर्सनल इनकम है, जिस तरह से पर्सनली मैंने आपको बताया 36% तक एक्सेप्टेबल है, नो एक्स्ट्रा चार्ज, नो एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शंस, बट व्हेन यू विल मूव अबव 36%, तो जैसे ही आपकी सैलरी 36% से अबव जाती है आपको एक्स्ट्रा 10% पे करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल इन्वायरमेंट की। तो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है, ठीक है। बुक में जिक्र नहीं है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, सिनेरियो बिल्टअप कर रही हूँ, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि दो तरह की मार्केट हैं, एक मनी मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है। मनी मार्केट में क्या करते हैं, वी आर ट्रेडिंग, वी आर सेल और बाय स्टॉक्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, अज्यूम शॉर्टर पीरियड के जब भी वर्ड आए इट मीन्स विद इन 1 ईयर, ठीक है। और जब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की या कैपिटल मार्केट की, तो उसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कह लें या कैपिटल मार्केट कह लें, तो उसमें मोर देन 1 ईयर हम लोग जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना। तो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट बेसिकली हमें बताता है फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कि मार्केट्स में चल क्या रहा है, क्या शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल रहा है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो बिजनेस इंटरैक्ट कंटिन्यूसली विद द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर ब्रिंगिंग बायर एंड सेलर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टुगेदर। जैसे हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा था, उनका काम क्या होता था, उनका काम यही होता था कि जो फियर है हाउस होल्ड का उसको ख़त्म करना और लोगों को इनक्रेज करना कि वो इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। इससे उनका बिजनेस भी चलता रहेगा, उनका भी चलता रहेगा। तो फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उनका पर्पज भी यही होता है कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा माइंडसेट बनाया जाए हाउस होल्ड का कि हमारी जो फाइनेंशियल है या बाइंग सेलिंग है वो क्या हो, फाइनेंशियल मार्केट में इंक्रीज हो। जब वो इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इन्वायरमेंट जो होगा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज़ टू एफिशिएंटली एलोकेट सेविंग टू अल्टीमेट यूजर। सेविंग्स जो हैं उनकी, उसको उनसे निकलवा के अल्टीमेट यूज़र जो है उससे उस तक पहुँचाया जाए। मीन्स ज़कात जैसे हम लोग कर रहे होते हैं, जैसे आपके पास 50,000 है, ब्रोकर आपको कहेगा आप इन्वेस्ट करें, मैं आपको क्लेम देता हूँ, जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनका पर्पज़ होता है सेविंग्स को अल्टीमेट यूज़र तक, अल्टीमेट यूज़र मीन्स फंडिंग वाली साइड पर लेके जाना। अब ये फोर्थ ये जो फ्लो है, अब आप जो है अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ थोड़ा इंटरलिंक करेंगे इसको, एरोस को ज़रा ध्यान से देखें। सेविंग सेक्टर है, हाउस होल्ड है, वो क्या करते हैं, वो उन्होंने दिया इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स को, ठीक है। अब
ये एक डायग्राम में आगे की तरफ आती हूँ। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में क्या क्या किस चीज़ें शामिल हैं, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोबारा से वापस आते हैं हम लोग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेक्टर क्या करेगा, या तो इसको फंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा खुद भी कर रहे होते हैं, कुछ ब्रोकर भी होते हैं, ये खुद भी करेंगे और ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे फाइनेंशियल ब्रोकर्स को, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल जो इसको आप अज्यूम करें, यहाँ पे हमने जो रिस्क मैनेजमेंट में ट्रांसफार्मर पढ़ा था ये वो है, ठीक है, और ये फाइनेंशियल ब्रोकर है। अब या तो ये लोग डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट में सेंड कर देंगे, सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट जिसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है सेकेंडरी सिक्योरिटी की। फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी होती है, सेकेंडरी सेकेंड हैंड सिक्योरिटी होती है ऑलरेडी यूज में, अब मैंने आपसे परचेज किया प्रॉफिट के लिए, मैंने आगे किसी और को सेल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है, तो फिर उसके बाद ये जो सेवर होते हैं ये डायरेक्ट, जैसे हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था, इनका डायरेक्ट ये किसको भी दे सकते हैं, ब्रोकर को भी दे सकते हैं। तो हमने सिनेरियो पढ़े थे ब्रोकर का, और सेकेंड हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नीचे हम लोग अगर आएँ तो यहाँ पे देखें, सिंपल बस बताया इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर शामिल होते हैं, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड। फिर हम लोग जब इसी तरह से आगे मूव करते हैं तो सेविंग सेक्टर में हाउस होल्ड, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट, तो सेम तरह की इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई बिजनेसमैन भी कर सकता है, कोई हाउस होल्ड भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर ये भी हो सकते हैं वो भी। फॉर एग्जाम्पल हाशिम इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है किसी पर्सन से लेकर, उसका इन्वेस्टर भी बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरह के क्राइटेरिया हो सकते हैं इसमें। उसके बाद जब हम लोग आगे बात करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल ब्रोकर्स में कौन कौन से शामिल होते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर्स इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं और मॉर्गेज बैंकर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में कमर्शियल बैंक, सेविंग्स बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, ये कुछ ये वो जो है ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जिनका काम ही क्या होता है, फाइनेंस को सिक्योर करना, क्लेम को मिनिमाइज करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात जब कर रहे होते हैं एलोकेशन ऑफ फंड की, हम अब एलोकेट कर रहे हैं फंड, हमने किसको फंड देना है, ठीक है, उसकी एलोकेशन किस तरह से करनी है। सेविंग टेंड टू एलोकेशन ऑफ मोस्ट एफिशिएंट यूजर, यहाँ पे सिंपल एक उसी को देंगे हम लोग अपना फंड, जिससे हमें पता होगा कि हम अपने जो रिस्क है उसको किस तरह से मिनिमाइज कर लें या मेनटेन कर लें या हमारी ओरिजिनल कॉस्ट मीट हो जाए, ठीक है। तो हम उनको अपना जो फंड है वो एलोकेट करेंगे। तो एलोकेशन की जो स्लाइड्स आप एकदम खुद रीड आउट करेंगे, फिर मुझे इसका कंसेप्ट समझाएंगे आप खुद, आफ्टर क्लास जब क्वेश्चनिंग करूंगी ना मैं आपसे, फिर आप करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो। क्या होता है कि हम लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 दिया है, एक्सपेक्ट कि मुझे विद इन 2 मंथ जो चाहिए 15,000, ठीक है। तो क्या हुआ एक्सपेक्टेड, तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो गया 15,000। बट अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी नहीं कि आपको 5,000 ही रिटर्न हो, या 5,000 से अब मे भी आपको 4,000 फर्स्ट मंथ रिटर्न हो जाए, सेकेंड मंथ में आपको 16,000 पे चले जाएँ आप। तो 2 मंथ्स की बात करें, 2 मंथ्स का 15,000 एक्सपेक्टेड था, बट 1 मंथ में 4 मंथ हुआ आप डिसहार्ड हो गए, सेकेंड मंथ में 16,000 पे गया आप थोड़े हैप्पी हो गए। तो फिर इस तरह से अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से होता है, ये मुख्तलिफ किस्म की ये जो हमने टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं, देख के इसको परेशान नहीं होना। वक्तन फवक्तन टाइम वैल्यू मनी, जैसे हम जाते जाएंगे न्यूमेरिकल में ये चीज़ों का जिक्र आता जाएगा, मैं आपको बताती जाऊँगी, और ये स्लाइड्स तकरीबन हर एक चैप्टर में मे भी मैं यूज़ करूँ, ठीक है। ओके, तो ये जो आपने सिर्फ इतना समझना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना था, और इसमें जब एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कहते हैं ना 15,000, तो जितना आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं उतना रिस्क भी बढ़ता जाता है। मैरिज की एग्जांपल जैसे मैं आपको अक्सर देती होती हूँ, मैरिज की एग्जांपल ये है कि आप मतलब वो भी एक रिस्क है, मे बी वो सक्सेसफुल हो मे बी ना हो, ठीक है ना। तो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम वेल सेटल्ड हो जाएंगे, हम ये करेंगे, प्लानिंग होती है ना इंसान की, बट क्या होता है साथ एक फियर, एक रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जाता है, मे बी द पार्टनर इज जो होगा, जो भी पार्टनर है वो मेरे साथ उस तरह से कोलैबोरेट कर पाएगा कि नहीं पाएगा। तो एक रिस्क एक एलिमेंट होता है आपके जहन में कोई भी काम करने से पहले। व्हाट इन्फ्लुएंस सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक होता है रिस्क डिफॉल्ट, रिस्क तो ऑलरेडी डिफॉल्टर होता है ना, रिस्क आप जब ले रहे हो, एक रिस्क आपने लिया है, रिस्क है मीन्स टू से एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड अगर आपके माइंड में है कि रिस्क है, जब रिस्क आपका मीन्स टू से आपकी सिक्योरिटी में लॉस हो गया, इट मीन्स आप डिफॉल्टर रिस्क में वो चला गया। एक होता है रिस्क एक्सपेक्ट था, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर मैरिज इस तरह से होगा, बट क्या हुआ आफ्टर मैरिज वैसे ही हो गया, तो आप डिफॉल्ट रिस्क उसको कह दें, ठीक है, इज अ फेलियर टू मीट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मीट कर लिया आपने उस चीज़ को, फुलफिल कर लिया आप जो सोचा था वैसे ही हो गया। तो मार्केटेबिलिटी क्या है, इज एबिलिटी टू सेल अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द सेकेंडरी मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशंस। मार्केटेबिलिटी का मतलब है मार्केट रेट पे आप किसी भी अपने शेयर्स को शॉर्ट पीरियड के लिए उसको सेल कर देते हैं। सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे सेकेंडरी मतलब मैंने शेयर्स पर ऑलरेडी ट्रेडेड शेयर्स हैं, मैंने परचेज किए, मैंने किसी और बच्चे को सेल कर दिया, उस बच्चे ने फिर प्रॉफिट देखा, उसने किसी और को सेल कर दिया, वो सेकेंडरी मार्केट में सेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं,
ये कुछ रेटिंग है इन्वेस्टमेंट्स एजेंसीज के नेम है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर द सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आई हैव एडेड द स्लाइड्स। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स हैं, जो नीचे वाले हैं ये लो इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स हैं। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, इन चीज़ों को आप देखते हैं। जब स्टैंडर्ड एंड पुअर में देखते हैं तो आप कहते हैं ये हायर, ये स्टैंडर्ड, इतने स्टैंडर्ड तो मीट होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न्स के बारे में। मेच्योरिटी का मतलब है कि ऑन द ड्यू डेट यू हैव टू पे योर इंटरेस्ट रेट, यू हैव टू पे योर डेट, ठीक है। इस कंसर्न विद द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कितनी, कितने लाइफ के लिए आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है द अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी बिकम ड्यू। टैक्सेबिलिटी, कंसीडर द एक्सपेक्टेड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सिक्योरिटी। टैक्सेबिलिटी का वर्ड बार बार आपको आएगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा स्पीडी कर रही हूँ ताकि मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ। क्या 31 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसलिए बस ये दो स्लाइड्स रह गई, मैं वाइंड अप कर लूँगा ये चैप्टर आपका, तो फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो होता है, मैंने आपको कहा था या तो वो डाउनवर्ड स्लोप में होगा या तो अपवर्ड स्लोप में होगा। यहाँ पे जो यील्ड कर्व है इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड, यील्ड कहते हैं रिटर्न्स को, ठीक है, रिटर्न्स कितना आपको आ रहा है, एंड द टर्म टू मेच्योरिटी फॉर अ पार्टिकुलर सिक्योरिटी, और कितने टाइम पीरियड में आप ये, आपको ये रिटर्न हुआ। आपने 5000 इन्वेस्ट किया, आप कहते हैं 2 मंथ्स के बाद मुझे जो है मुझे वो 15000 चाहिए, तो वो जो 2 मंथ्स आपने एक्सपेक्ट किया ना वो आपका यील्ड कर्व है, तो वो मे भी आपको 2 मंथ्स के अंदर मिल जाए। अगर तो मिल जाता है या उससे अबव मिलता है तो कहते हैं अपवर्ड स्लोप यील्ड कर्व है, और अगर नहीं मिलता तो आप कहते हैं डाउनवर्ड स्लोप यील्ड कर्व है। और इसके बाद एम्बेडेड ऑप्शंस, इन्फ्लेशन, छोड़ दें स्लाइड्स को आप, ठीक है, ये सेपरेट होकर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्कस। जी जी बच्चे बताएं मुझे आप। मैम आपने एक बताया था 10% एक्स्ट्रा अकाउंट होता है मार्जिन रेट जो फिक्स बताया हो, फिक्स बताया हुआ है, मैंने इसको मैम इसका एक मिनट में आ गई मैं आपकी बात समझ गई, मुझे चेक करने दें स्लाइड्स। हाँ ये है मेरे पास। अच्छा देखिए, अब फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम है वो 1 लाख तक है, 1 लाख है, 1 लाख तक है, तो आपकी एक्सेप्टेबल इनकम है कि आपको जो है वो जो पे करना पड़ेगा जो ओरिजिनल टैक्स आपका बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम जो है 39% से अबव, 39 भी एक्सेप्टेबल है, 39% से अबव जाती है, मार्जिन रेट टैक्स 39% से अबव आपको पे कर, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट के एक सेट रूल है कि 39% से अबव जब आपको पे करना पड़ेगा तो यू हैव टू पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स रेट। 39 का मतलब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 49, ठीक है। अभी आप लोगों ने आपकी जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दी थी, आपको मैंने कहा था कोई भी 5 ले लें आप, तो मैंने आपको फिलहाल 5 के लिए बताया था, तो मैं आपको कहूँ कि आपके वो इनिशियल स्टेज थी आपको समझने के लिए, आपको मैंने लेक्चर जितना डिलीवर किया था उसके अकॉर्डिंग आपने बनाया था। तो इसीलिए अब जब कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बाकी बताए, इंटरेस्ट रेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से आपने देखा होगा, आपने अगर प्रैक्टिस की है तो हाशिम की मैंने चेक की है, तो उसमें देखें आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, ठीक है, आप एग्जांपल ही देख लें, तो इसमें जो हमने एग्जांपल्स की थी इसमें देखें यहाँ पे 39% और यहाँ पे रेट कितना आया एवरेज 32%, तो क्यों 32% आया, व्हाट द रीज़न, रीज़न इज दैट 2,50,000 आपने फुली चार्ज कर दी, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को डिडक्शन करेंगे आप ऑटोमेटिकली आपके जो परसेंटेज होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जो एग्जांपल थी उसमें 2,50,000 तो हमें दिया हुआ था ना, तो हमने ये एग्जांपल इसका क्या नाम है टैक्स लायबिलिटी निकाल ली, लेकिन जो हमने खुद से अज्यूम करके टैक्स रेट निकालना था उसमें भी हम 2,50,000 एज्यूम करते। बच्चे यही तो आपने चेंज करनी थी, यही तो आपने चेंज करनी थी, आप यहाँ पर लिख लेते 3 लाख, जब आप 3 लाख लिख लेते, यही चीज़ तो मैंने आपको चेंज करने के लिए कहा था कि आपने मुख्तलिफ 5 कैटेगरी, अब जहाँ आपने लिया 3 लाख, अब 3 लाख किस में आ रहा है, 3 लाख आप देखें इसी रेंज में आ रहा है, आप बल्कि इससे कम कर लें, आप कह लें 70,000, 70,000 कहेंगे तो आपको टैक्स रेट कितना पे करना पड़ेगा, 34%, तो फिर आप उसी तरह से ये पूरी अमाउंट इसी तरह से आएगी, ठीक है। अब आई एन सी की जगह आप 70,000 लिख लोगे, माइनस करोगे लोअर लिमिट इसकी कितनी है, 75,000 से ये स्टार्ट हो रहा है, 78,000 कर लें आप, आई एन सी की जगह आप 78,000 लिखेंगे, माइनस करेंगे 75,000 और बाकी जो आपका रेट निकल आएगा वो आपका मार्जिन रेट होगा, ठीक है मिस। और मिस अगर पेपर में एग्जाम्पल आ जाती है तो जैसे इस एग्जाम्पल में 2,50,000 हमें बताया गया था तो हमें बताया जाएगा, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी जब मैंने देना कैसे आपको, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना इसके साथ साथ, आप चलो जो हमने नेक्स्ट हमारी जो असाइनमेंट होगी ना सेकंड के बाद, उसमें मैंने आपसे क्या करवाना है, असाइनमेंट्स नहीं, आप इसको असाइनमेंट्स का नाम ना दें, लेकिन ये ग्रेडिंग मार्क्स आप किसकी ज़रूर होंगे, असाइनमेंट्स वही कंप्रीहेंसिव में दूंगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी।
इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 2-2% वेटेज मिला के मैंने आपकी एक सारे मार्क्स को मर्ज करके एक 10 मार्क्स की असाइनमेंट्स बना देनी है। तो 2-2 मार्क्स भी अगर आपके 10 में से डिडक्ट होते हैं तो आपको सोचा, अगर एक असाइनमेंट आप देंगे तो 10 में से 2 मार्क्स आपके आएंगे, 2 देंगे तो 4 आएंगे। तो आप इस तरह से साथ साथ करते जाएँ। वो क्या असाइनमेंट होगी कि आपने चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीट कर लिया है, ठीक है। अब 2 चैप्टर्स के आपने क्या करने हैं, आपका हमेशा ये इशू होता है एमसीक्यूज का। आपने चैप्टर नंबर 1 बुक आपके पास है, राइटर का आपको पता है, गूगल पे जाना है, मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज गिवन होंगे, लेकिन एमसीक्यूज स्पेसिफिक टू दैट बुक और स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, उन सारों को आप कॉपी पेस्ट करें वर्ड के ऊपर, एक फाइल बना लें, हर बच्चा बनाएगा, बनाने के बाद मुझे फॉरवर्ड करेगा। बहुत से बच्चों के सिमिलर भी होंगे, कहीं डिफरेंट भी होंगे, उनको फिर मर्ज करके एक पीडीएफ की फाइल में हम बना लेंगे। तो 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे लूँगी क्विज। पहले मैंने सोचा था मैं आपसे ऐसे ही लूँ, लेकिन उसके बाद जब आपने ये कंसेप्चुअली पढ़ लिया, आपके पास अब ऑनलाइन है, स्लाइड से पढ़ना पड़ रहा है, बुक को उस तरह से नहीं पढ़ पा रहे जिस तरह से मैं लाइव पढ़ाना चाह रही थी आपको, तो आपके एमसीक्यूज भी साथ क्लियर होंगे। फिर जिस एमसीक्यूज में जहाँ पे मसला हमें होगा, इस लाइन का क्या मतलब है, हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, किस स्लाइड में पढ़ा था, किस चैप्टर में पढ़ा था, इसका यहाँ पे क्या एंटर, तो आप जब मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे ना, तो फिर आपका जो एंड में एक लेम एक्सक्यूज होता है कि मैम आउट ऑफ सिलेबस होता है, वो भी खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे क्लास में और आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे साथ साथ, ठीक है, क्लियर हो रहा है मैम? ऐसे तो फिर हम इतना सारा टाइम इस पे वेस्ट करेंगे, ये तो हर एमसीक्यूज को देखना कि ये इस चैप्टर में है कि नहीं है। आपने पता क्या करना है, आपने जस्ट ना बुक और राइटर का नाम देके आपने गूगल पे सर्च करना है चैप्टर नंबर 1 ऑल एमसीक्यूज, जितनी भी टैब खुलेंगे हर टैब में सिर्फ वही स्पेसिफिक टाइप उसी बुक की आपने वर्ड पे सिर्फ पेस्ट करना है, पेस्ट करके उसको अरेंज करके मुझे सेंड करना है। मेरा काम है उसको अरेंज करना, सारे बच्चों की कंपेयर करके जो डबलिंग में होगी उनको मैं सिंगल करूँ। उसके बाद मेरा काम है क्लास से हट के, एक तो क्लास है, क्लास से हट के जैसे असाइनमेंट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, हालांकि देखा जाए तो हमें क्लास के अंदर ही मैनेज करना चाहिए। तो अगेन वही बात है, अगर सिखाना है तो मैं टाइम को नहीं लिमिट में लाऊंगी, चाहे मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े मैं आपको सिखाऊंगी। अब फिर उसका काम फिर ये होगा कि मैं आपको ऑडियो के फॉर्म में ना, जिस तरह से आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, मैं आपको इलेबोरेट कर दूंगी, ठीक है, आप उसको एक दफ़ा सुन लेंगे, एमसीक्यूज क्लियर हो गए आपके, फिर मैं आपसे क्विज कंडक्ट कर लूँगी, ठीक हो गया? ओके मैम, थैंक यू, आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी आपके लिए जी। इसके अलावा आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो टाइम आपके पास बचा है कितने मिनट्स का, 4 मिनट्स, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे जी। अटेंडेंस लेने आशिम, आप अटेंडेंस लेने और क्लास के बाद मुझे अटेंडेंस कंप्लीट इस वीक की सेंड करेंगे दोनों सब्जेक्ट्स जी। बच्चे पूछे, गर्ल्स बच्चे आप लोगों के असाइनमेंट्स नहीं आई हैं अभी तक जी, फ्री है क्या, पूछ रही हैं आप? मैम मुझे अदर टेक्स्ट इशू वो वाली स्लाइड मैंने खोली हुई, जो स्लाइड्स ओपन है उसी की बात कर रही हैं आप? नहीं मैम, अदर टेक्स्ट इश्यूज। अदर टेक्स्ट इश्यूज आ जाते हैं हम नीचे, अदर टेक्स्ट इश्यूज में हम लोग आ गए हैं जी। पूछे जी मैम, मुझे ये थोड़ा सा, पहले मैं क्वार्टरली पे आती हूँ फिर मैं अल्टरनेट पे आती हूँ। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि एक कंपनी है उसको ना 50,000 का ना टैक्स पे करना पड़ रहा है, कंपनी के लिए 50,000 एक हैवी अमाउंट है, वो उसको पे नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं एनुअली टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो उसके ना 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, 50,000 को ना 4 पे डिवाइड करते हैं जो अमाउंट आएगी ना, तो या आपके पास वो जो अमाउंट है 50,000 पूरा के पूरा वो टैक्स बन गया, आपने कैलकुलेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 39% पे था, 34% पे था, आपने इनकम पे कैलकुलेट किया तो अमाउंट आपकी निकली 50,000। अब 50,000 आप इकट्ठा नहीं पे कर सकते, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके 4 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, 25% मतलब क्वार्टरली जो होगा आप उसको पहले 15 अप्रैल को एक पे कर दोगे उसकी इंस्टॉलमेंट, फिर 15 जून को करोगे, फिर 15 सितंबर को करोगे, फिर 15 दिसंबर को करोगे, ये क्वार्टरली टैक्स पेमेंट होगी, ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? अच्छा उसके बाद हाँ, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में क्या होता है कि इज अ स्पेशल टैक्स विद इक्वल 20% ऑफ अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्सेबल इनकम। एक स्पेशल किस्म का टैक्स होता है जो 20% चार्ज किया जाता है जो आपकी ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम है ना उससे एक्स्ट्रा, मतलब अगर 39% है तो 39% एक आपने उस इनकम के ऊपर चार्ज कर लिया, फिर आपने उसी इनकम के ऊपर 39 में 20% ऐड करने के बाद चार्ज किया, तो कहते हैं जब इस तरह से आप करते हैं तो दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, पीछे रीजन मैंने आपको सिनेरियो बताया है कि कुछ अदर फैक्टर्स थे जो हमने शामिल नहीं किए थे, अगर वो कर लेते तो क्लोज टू मार्जिन आ जाना था हमारा, 39 था, 32 आया था, तो 39 ना आता, 38.9 आ जाता, 38.7 आ जाता, क्लोज टू ओरिजिनल आ जाना था,
तो ये अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है, ये दो तरीका कार है जिसके जरिए से आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स के आपका आपकी रिलायबिलिटी कितनी है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपको रिलायबल समझते हैं। जैसे आप लोन लेने किसी के पास आए, आपको लोन नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपकी रिलायबिलिटी है, लोगों को पता है कि पेमेंट कर देगा ये या जिस तरह से भी अरेंज करेगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको देखते सारी पता है इसने लोन लेना है, आप फेस रिटर्न कर लेते हैं, तो रिलायबिलिटी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए आप कहते हैं कि जब भी आप लोन लें क्रेडिबिलिटी को रिलायबिलिटी को मैटर करें। जी ओके मैम, और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। मज़ा आ रहा है पढ़ने का कि नहीं आ रहा, ये बोर हो रहे हो आप? जी सिद्रा मैम, अभी तो मैंने बुक बच्चे लेनी भी नहीं, मिड टर्म से पहले लेनी है, एक दिन पहले, बिल्कुल। मैं सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए कह रही हूँ एमसीक्यूज का, अदरवाइज आपकी रेगुलर क्लासेस होती तो मैंने आपसे बुक से रीडिंग करवानी थी, जैसे मैंने आपको क्लास में स्टार्ट किया हुआ था काम, तो अब जाहिर है मुझे आपकी जगह ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बट मैं कर लूँगी, बट मुझे आउटपुट उस तरह से दें आप, बाकी मेहनत करना आप पे मेरा काम है, ठीक है। मैम मैंने पूछना था, मैंने YouTube पे लेक्चर्स देखे थे, तो लेक्चर नंबर 2 अपलोडेड है कि नहीं है? वो लेक्चर नंबर 1 था, फिर लेक्चर नंबर आपका फाइनेंस उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1 मिला है, लेक्चर नंबर 1 के 2 पार्ट मिले हैं, एक असाइनमेंट मिली है, लेक्चर नंबर 3 मिला है। बच्चे आज कौन सा लेक्चर है? आज बेसिकली आज लेक्चर नंबर 3 है वैसे, लेकिन अगर ऑनलाइन देखें तो 2 है। हाँ तो आज बच्चे आज का अभी खत्म होगी क्लास, तो मैं अपलोड करूंगी मैम। ऑनलाइन हमारा दूसरा है, वैसे हमारा 4 लेक्चर हो गए। हाँ 2 हमारे लाइव हुए थे क्लास में और 2 हमारे लेक्चर ये हो चुके हैं। अब जो आज का लेक्चर है ना ऑनलाइन अगर देखें तो 4th लेक्चर है आपका, मैंने लिखा भी 4th हुआ है इसमें। नहीं मैम 3 मिले अभी तक और दूसरा नहीं मिला मुझे अभी तक। बच्चे दूसरा आज मैं करूंगी ना अपलोड, आज खत्म होगी क्लास तो मैं अपलोड करूंगी ना, इस वीक के 2 लेक्चर होते हैं, एक हो गया अपलोड, एक आज जैसी क्लास खत्म होगी मैं अपलोड कर दूंगी।